सर चार दिन पहले करवा दीजिए सर, करवाइए नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में सफल हुए हजारों अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि जुलाई 2023 में जो विज्ञापन बिहार सरकार ने सिपाही भर्ती के लिए जारी किया था उसमें EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की मांग नहीं की गई थी, लेकिन अब परीक्षा परिणाम के बाद ये सर्टिफिकेट मांगे जाने लगे हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, सामान्य श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए EWS सर्टिफिकेट चाहिए होता है और जो OBC श्रेणी के अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए नॉन क्रीमी लेयर यानी कि NCL सर्टिफिकेट देना होता है। अब NCL सर्टिफिकेट के बारे में समझिए। देखिए, NCL प्रमाण पत्र भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC से संबंधित व्यक्तियों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण की अनुमति देता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यदि आपकी पारिवारिक जो आय है वो सालाना 8 लाख से कम है तो आप सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और आप सरकारी नौकरी के लाभ, प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और बहुत से ऐसे लाभ जो है प्राप्त कर सकते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर का मतलब ये है कि आपके माता पिता की स्थिति और यदि वो केंद्र सरकार की OBC समुदायों की सूची में आते हैं तो उसका लाभ आपने मिलना चाहिए। अपने निवास स्थान के आधार पर आप OBC की केंद्रीय सूची की जांच कर सकते हैं और अपने माता पिता की आय से इसके तुलना करके ये तय कर सकते हैं कि आप OBC कोटे के पहले चरण को पूरा करते हैं या फिर नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से NCL सर्टिफिकेट को बनाया गया है। अब अभ्यर्थियों का कहना यह है कि जब जुलाई 2023 में सिपाही भर्ती परीक्षा का विज्ञापन निकला, एडवर्टीजमेंट निकला, तब इसमें ये स्पष्ट रूप से सर्टिफिकेट की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था। अब परीक्षा परिणाम यानी कि रिजल्ट जब आ गए उसके बाद से CCC यानी कि कंप्यूटर साइंस सर्टिफिकेशन द्वारा अचानक से EWS और NCL सर्टिफिकेट की मांग की जाने लगी है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है क्योंकि उनके पास अब समय नहीं बचा है और वो इस कारण रिजेक्ट हो गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग पूरी नहीं करती वो धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों का कहना ये भी है कि जब उन्होंने आवेदन किया था तब इन सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता नहीं थी और कई अभ्यर्थियों ने इन्हें बनवाने की आवश्यकता समझी ही नहीं क्योंकि ऐसा कहा ही नहीं गया था। और अब जब परीक्षा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, परिणाम घोषित हो गया है, तो अब अचानक से सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है जो बिल्कुल सही नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पटना के फेमस टीचर गुरु रहमान भी इन अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे हुए हैं और अब तो वो रो रहे हैं और रो कर देखिए जिस तरीके से मजिस्ट्रेट के सामने ये कह रहे हैं कि इन जो अभ्यर्थी हैं इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए और कैसी मांग रख रहे हैं अपनी। बहुत गरीब है बच्चे। सर आज आप आपके आंख में आंसू कैसे सर? माननीय मुख्यमंत्री से गुहार है, ये सभी बच्चे हमारे समाधान करवाइए सर, चार दिन पहले करवा दीजिए सर, करवाइए हालांकि आयोग की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो मांग है वो नहीं मानी जा सकती है क्योंकि ये निराधार है और आयोग अपनी तरफ से सख्त रवैया अपनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं और परेशानी का सबब ये दो सर्टिफिकेट बने हुए हैं। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।